जो रियासी में एसएसपी शिप है उससे पहले एसडीपीओ शिप से पहले मैं सोचा करता था कि काश कोई एक ऐसा कला मंच हो यहाँ के कलाकारों को कुछ कोई ऐसी जगह मिले जहाँ वो परफॉर्म कर सके। आज वो सपना पूरा हुआ तो इस मंच को नमन है सबसे पहले। उसके बाद कटरा और रियासी के हमारे वीर शहीद उनके परिवार के जो भी रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हैं उनको शत शत नमन है। साष्टांग दंडवत, आपकी शोभा में ये शो हुआ है और आज जो कुछ मैं बोलूंगा आपकी शोभा में ही बोलूंगा। आपकी वीरता ने ही ये मौका दिया मुझे कि आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूं इस मंच पे खड़ा होकर। आपकी कुर्बानी को नमन है पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से। उसके बाद मैं सभी बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूं। मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा। सभी मीडिया कर्मियों को नमन करता हूं, सभी कला कर्मियों को नमन करता हूं, इस मंच से जिन्होंने अब तक हमें संबोधित किया, हमें बांधे रखा, इन मंच संचालकों को नमन करता हूं। वो मेरे स्टाफ जो बड़े मुस्तैदी से हम सब लोगों को पानी और नाश्ता सर्व कर रहे थे, मैं आपको नमन करता हूं। मंच के पीछे काम करने वाले जो शायद अपना चेहरा नहीं दिखाते मगर एक उनकी लापरवाही से इस मंच की सारी शोभा खराब हो जाए, मैं उन सभी कर्मियों को नमन करता हूं। और आपके हाथ से इस साक्षात नटराज की जो मुद्राएं बनाने की जो ध्वनि आप निकाल रहे थे, मैं आप जैसे म्यूजिशियन संगीतकारों को भी नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके सामने मुखातिब हूं और इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एसएसपी श्रीमती रश्मि वजीर को और उनके परिवार को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की शाम आपसे मुखातिब हो सकूं। बड़ी खुशी है कि शहीदों के नाम पे वो ताले खुल गए जो शायद नहीं खुलते। बड़ी खुशी है कि अभी अभी एक महान शख्स जो इस मंच से गया है वो उन शहीदों के लिए उतना ही महसूस करता है जितना मैं महसूस करता हूं, जितना मेरा एक एसपीओ महसूस करता है। और ये आपके जो दो तीन वर्ड जो शब्द आपने कहे, पता है इसने क्या किया? इसने मन ही मन कितने शहीदों को तैयार कर दिया कि कल मैं भी शहीद होऊंगा, शायद मेरे नाम पे भी किसी दिन ऐसा ही मेला लगेगा और ऐसा ही गीत गाए जाएंगे और ऐसा ही मेरे नाम के कसीदे पढ़े जाएंगे। तो ये वर्ड और आपकी तालियां, आपकी उपस्थिति हमारे देश को शहीद देती है, हमारे दिमागों को उबाल, हमारे खून में उबाल रखती है कि कोई दुश्मन हमें देख ना सके। ये ठीक है कि वजीर साहब जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, राकेश वजीर से मेरा ताल्लुक है, रश्मि वजीर मैडम भी वजीर ही हैं, सारा खेल वजीर का ही होता है शतरंज में, मुझे पता है। लेकिन अभी मैं राकेश वजीर जी का बात करता हूँ। बड़ी साफ गोई से आप जो किस्सा गोई करते हैं उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने किस्से जो मैं बनाता हूँ, कुछ वर्ड जो मैं कहीं कहीं से जुटा कर लाता हूँ, उसमें यकीनन आप जैसे शख्सों का बहुत बड़ा अहमियत पर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। और इस बार मैंने माता से शिकायत की, आपको पता है नवरात्रों की धूम तो मैंने मिस किया है, माँ को नमन है, वो जरूर उस धूम को वापस लाएंगी, लेकिन इस बार जिस अदाई से, जिस जहनशीनी से आप मंच का संचालन करते हैं और जिस तरीके से आप कुछ शेरों को, कुछ वर्ड को अपनी जबान में कहते हैं, मैंने उसको मिस किया है और इसकी शिकायत मैंने माँ सरस्वती से की है कि वो दिन दोबारा लाए और आपके इस जबान को हमेशा इसी तरह कायम रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ तारिक भट्ट साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। मैं अपने कलाम, अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले मंच पे आज परफॉर्म करने वाली सभी अपनी जो हमारी युवा कलाकार थे, मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहूंगा कि वो जमाना नहीं आया है जब आप सीता को जन्म लेने से रोक दें, वो जमाना नहीं आया है कि आप
राधा को कृष्ण के प्रेम में डूबने से रोक दे। वो जमाना नहीं आया है कि आप कहीं बाहर निकले और कोई लैला और कोई मजनू ना दिखे। जब तक सीता है, जब तक राधा है, तब तक राम भी है, तब तक कृष्ण भी है, तब तक मजनू का नाम भी है। हमारा प्यार हमारे दिलों में हमारी महिलाओं के लिए, हमारे माँ, हमारी बेटियां, हमारी प्रेमिकाएं, हमारी पत्नी, उन सब के लिए प्यार का अथाह समंदर है। ईश्वर ने दिया, अभी मैम ने जो कहा था, ईश्वर ने दिया है। ये छलक रहा है आपके प्रति, सम्मान छलक रहा है। तो आप कभी भी ये फील ना करें, आप महफूज हैं। चाहे मैं आपके सामने एक पिता के तौर पे खड़ा हूं, चाहे एक भाई, चाहे एक प्रेमी, चाहे एक पुलिस ऑफिसर, आप महफूज हैं। और मैं इस मंच से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन जवानों ने शहादत दी, वो आपको महफूज रखने के लिए ही शहादत दी। तो आप बिल्कुल ना डरें। और जब तक ये खाकी वर्दी है, जब तक नीली वर्दी है, जब तक हरी वर्दी है, आर्मी से ताल्लुक है मेरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस से ताल्लुक है, तब तक प्रेम के धार को कोई नहीं रोक पाएगा। एक कविता मैंने आते हुए गाड़ी में लिखी और लिखकर मैंने मैम को भेज दिया था कि इसका प्रिंट निकाल दीजिए। ये शहीदों के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे दिल से निकला, वो मैं जरूर पढ़कर आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दौर जो अभी मैं अपने सामने देख रहा हूं, अपने भूख पे दो मिनट के लिए आप कंट्रोल कीजिएगा। एक दौर मैं अपने सामने देख रहा हूं, हम लोग खुलकर मिलने लगे हैं। ठीक है, नकाब है हमारी सांसों पे, हमारे चेहरे छुपे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दौर फिर से शुरू हुआ है। और वो दुश्मन जो हमें हराने चला था, इंसानियत का नाम मिटाने चला था, वो हारने लगा है या हारता हुआ दिख रहा है। मैं सबसे पहले उस दुश्मन को ही संबोधित करता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा अपनी बातों पर। चला था तोड़ने हौसला इंसानों का, चला था तोड़ने हौसला इंसानों का, जज्बे को देखकर अब खुद ही शर्मिंदा है। मुस्कुरा रही है जिंदगी हर नुक्कड़ चौराहे पे, फासलों में सही पर आदम अभी जिंदा है, पर आदम अभी जिंदा है। ये मैंने लिखा अभी अभी आपके आपके अल्फाजों से प्रेरित होकर अपने मोबाइल पे ही लिखा था, मुझे लगा कि मैं आपको सुनाऊं। अब मैं अपने मेन अल्फाज पे आता हूँ। बहुत बड़ा उबासी लिया मेरे सामने मेरे दोस्त ने और मुझे ये कल्प्रिट फील करवा दिया, लेकिन मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। उन शहीदों को, इन जवानों को जो आप याद करते हैं, हम में से आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे यकीन है आपको पुलिस के बारे में पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव अनुभव हुआ होगा। नाके पे हमारे यूथ को जब आप विदाउट हेलमेट जा रहे होंगे, पुलिस वाले ने रोका होगा, आपने कोशिश की होगी कि कुछ झाड़ पाड़ करके मामला सॉल्व हो जाए। जब सॉल्व हो गया, पुलिस वाले के माथे वो 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया चढ़ा। जब नहीं सॉल्व हुआ तो पुलिस वाला गंदा है ही। किसी मुद्दे पे जब आपने बेल लेने की कोशिश की होगी, किसी को बचाने की कोशिश की होगी, जब पैर भी चल गया तो भ्रष्टाचार के माथे पुलिस वाले का नाम चढ़ गया, और जब पैर भी नहीं चला तो फिर पुलिस वाला खराब है ही। इन तमाम इल्जामों के बीच में एक शहीद कैसे इज्जत पाता है, उसकी व्यथा हम हर दिन झेलते। कल परसों एक महिला ने मुंबई पुलिस की एक अधेड़ एएसआई की पिटाई की, उसका वीडियो वायरल हुआ। और मैंने जब उस वीडियो पे उसका विरोध किया तो मेरे पक्ष में जितने लोग बोले उससे ज्यादा विपक्ष में बोले, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं है कि हो सकता है उस पुलिस वाले ने भी कोई बदतमीजी की हो सकता है मेरी कॉन्स्टेबलरी ने नीचे कुछ बदतमीजी की हो। लेकिन याद रखिएगा, ये पुलिस नहीं, ये आपका आईना है। आपकी पुलिस आपके समाज को ही रिफ्लेक्ट करती है, आपको जैसे आईने में अपने आप को हूबहू रूबरू देखते हैं, ये पुलिस आपको दिखाती है आईने में आपका चेहरा। अगर वो पुलिस जिस पे आप हाथ उठा सकते हैं, इसका मतलब वो थप्पड़ आप खुद पे अपनी सोसाइटी पे मार रहे हैं। अगर आप अलर्ट होंगे, पुलिस भी अलर्ट होगी। आप जब तक झाड़ पाड़ करके मामले को
रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, पुलिस भी आपको ऐसी ही मिलेगी। हालांकि सुधार जारी है, पर पुलिस का सुधार बहुत बड़ा एक मुद्दा है। पुलिस पे चार लाइनें हैं, आप सुन लें। ये पुलिस है, चाहे इसकी हो या उसकी हो, किसी की सरकार हो, सियासत से मुलाजमत तक, चाहे जो भी कारोबार हो, चाहे इसकी हो या उसकी हो, किसी की सरकार हो, सियासत से मुलाजमत तक, चाहे जो भी कारोबार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वार हो, कोर्ट हो, कचहरी हो या किसी का घर बार हो, खाकी वाले तुम्हें हर मकाम पर मिलेंगे, सरकारी सेक्रेटेरिएट हो या जनता दरबार। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो अपने दोस्त को भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका दोस्त जो शहादत पाता है उसके फैमिली वाले कैसा सोचते हैं, और वो जो शहादत पा गया उसकी आत्मा क्या सोचती है। ये मेरे आज का आखिरी लफ्ज होंगे जो मैं आपके आपके जहन में छोड़कर जाना चाहूंगा। जान लुटा है मेरा एक शहीद जो जान लुटा है, सारे गिले शिकवे मिटा आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पर जान लुटा आया, सारे गिले शिकवे मिटा आया, चाहे जितने तोहमत लगते थे जो भी करते थे सब मिटा, सारे गिले शिकवे मिटा आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पर जान लुटा आया, किसी दुश्मन की साजिश थी मुआशरे को जलाने की, किसी दुश्मन की साजिश थी मुआशरे को जलाने की, दो गज जमीन के अंदर उस दुश्मन को दफना आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया, जिस किसी आवाज ने हम सबको ललकारा था, जिस किसी आवाज ने हम सबको ललकारा था, उसकी जबान काट कर चौराहे पर लटका आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया, उठती रही उंगलियां हर बार मेरे किरदार पे, उठती रही उंगलियां हर बार मेरे किरदार पर, लुटता रहा मैं हर बार मोहल्ले बाजार पर, हर एक शख्स जो मुझ पे इल्जाम लगाता था, हर एक शख्स जो मुझ पे इल्जाम लगाता था, उस शख्स की हकीकत मैं सरेआम बता आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया। हम कुछ हकीकत भी रखते हैं उन शख्स के बारे में जो हम पे उंगली उठाते हैं, तो वो कभी कभी हम बताने की जहमत भी उठा लेते हैं। वो शहीद याद करता था, मरने से पहले मैंने कुछ की हकीकत भी बताई थी। मेरा शहीद आगे कहता है, मेरे पीछे मेरी बेटी मुझको जब जब ढूंढेगी, मेरे पीछे मेरी बेटी मुझको जब जब ढूंढेगी, मेरी माँ अपने बेटे को जब भी कभी बुलाएगी, घरवाली के पाजेब से जब रोने की आवाज आएगी, तुम उनको मेरे किस्से फुर्सत से सुनाना, तुम उनको मेरे किस्से फुर्सत से सुनाना, और अगर मुमकिन हो तो मेरे बेटे को भी पुलिस बनाना। मैं अपनी गृहस्थी देश के जिम्मे लगा आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी पे जान लुटा आया। और आखिरी अंतरा है, मेरा शहीद बोलता है, उसकी आत्मा बोलती है, जब तक जिंदा रहा खिदमतगार रहा, जब तक जिंदा रहा खिदमतगार रहा, काम करता रहा चाहे दागदार रहा, हर भूले भटके मजलूम की खातिर हर हालत में मददगार रहा, जब रुखसत हुआ इस जहां से तुम्हारे कांधों का तलबगार रहा, जब रुखसत हुआ इस जहां से तुम्हारे कांधों का तलबगार रहा, फख्र से मिट्टी डालना कब्र पे मेरे यारों, फख्र से मिट्टी डालना कब्र पे मेरे यारों, मैं अपने दुश्मन को खून के आंसू रुला आया, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उस मिट्टी के जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये सभी के सर्टिफिकेट्स और मोमेंटो जो है दिया जाएगा, तो अपनी मधुर वाणी से हम सबको लुभानित किया। जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए कि जितना छोटा है और जितना इसने बड़ा काम किया है, तो इसकी आवाज के क्या कहने हैं आज की।
तो तालियां हो जाए इस पूरे ग्रुप के लिए। तो ये रियासी के उभरते हुए कलाकार हैं, तो जिन्होंने आज पूरे दिन जो है पूरी मेहनत से ये कार्यक्रम जो है किया है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत से आज का कार्यक्रम किया। थैंक यू।